गुड मॉर्निंग। पिछले दिन हम लोग बात किए थे डिग्री से रेडियन में जाना, रेडियन से डिग्री में आना, समझ में तो आता होगा। उस दिन का जो हम बताए थे, नहीं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, अगर एक्स रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे। हम लोग जानते हैं ना पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 बाई पाई डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। एक्स रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 180 बाई पाई इंटू एक्स डिग्री। इसी तरह अगर डिग्री से रेडियन, ये कहाँ था, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए, और डिग्री से रेडियन में आने के लिए फिर क्या करेंगे हम लोग, वही 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन जानते हैं, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, और फिर एक्स डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू एक्स, ये रेडियन में हो गया। हमेशा ना एक चीज याद रखिएगा, डिग्री मस्ट बी इन इंटीजर, डिग्री मस्ट बी इन इंटीजर। डिग्री जब भी होगा ना वो एक पूर्णांक राशि होगा, एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा, इंटीजर में होगा, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो जब कभी भी आपको मिल जाए, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए 50/3 डिग्री, 50/3 डिग्री है ना, ये नहीं होगा, 50/3 डिग्री होगा ही नहीं। जब भी न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर आपको छोटा दिखे, तुरंत 3 से 50 को डिवाइड कर दीजिए। देखिए 3 को क्या किए हम लोग, 50 से डिवाइड किए, 16 × 3 = 48, 2 यानी 16 डिग्री कंप्लीट होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 पूर्णांक 2/3, यानी 16 इतना डिग्री लिख सकते हैं ना, यानी 16 डिग्री, इसको हम क्या लिखेंगे, 16 पूर्णांक 2/3। इसका मतलब हुआ 16 डिग्री कंप्लीट होगा, 16 डिग्री, और 2/3 डिग्री इसको लिख सकते हैं ना, 16 डिग्री × 2/3 डिग्री, तो 16 डिग्री कंप्लीट, और 2/3 डिग्री जो है ना, पता नहीं गला फंसा हुआ, 16 डिग्री कंप्लीट होगा, 2/3 डिग्री को मिनट में चेंज कीजिए। डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, 2/3 × 60 से कर देते हैं, 20 × 60 = 40, इसको हम लिख सकते हैं 16 डिग्री 40 मिनट। अगर ये मिनट में कन्वर्ट करने के बाद भी ये फ्रैक्शन में आता है, फिर 60 से इंटू करके हम लोग सेकेंड बना लेंगे, और सेकेंड जो होता है वो डिग्री मेजरमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। अगर नहीं भी पूरा पूरा कटे तो हम लोग उसको अप्रॉक्स वैल्यू ला के छोड़ सकते हैं। डिग्री मेजरमेंट में कोई दिक्कत है, यहाँ से फिर से देखिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180/π डिग्री, और एक्स रेडियन इक्वल टू 180/π × x डिग्री। सब मेन इंपॉर्टेंट बात यही आज का याद रखना है कि डिग्री जो होगा हमेशा इंटीजर में होगा, वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। जहाँ कहीं भी आपको दिखे ना 50/3 डिग्री, 48/4 डिग्री, 48/3 डिग्री, उसको क्या कीजिए, इस तरह से डिवाइड करके कंप्लीट डिग्री, और ये जो बचेगा फ्रैक्शन में उसको 60 से इंटू करके मिनट में बना दीजिए। अगर फिर भी फ्रैक्शन में आता है, फिर 60 से इंटू करके सेकंड बना दीजिए, यानी वो डिग्री मिनट सेकंड में बन जाएगा लेकिन फ्रैक्शन में नहीं रहेगा। उस दिन हम बात किए थे प्रूव करना कि ये 180 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे हो जाता है ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री कैसे हो जाता है, आइए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, इंपॉर्टेंट प्रूफ, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, ये एक सर्कल, मैं थोड़ा इसी तरह बनता है, ये एक सर्कल है, मान लेते हैं ये है रेडियस आर और ये है एल, ये ए है सेंटर ओ, ये बी पर गया, तो ये कितना होगा,
थीटा, मान लेते हैं ए ओ बी एंगल कितना है थीटा, ठीक है थीटा हम लोग जानते हैं, नाइन्थ टेंथ में ये थ्योरम पढ़े थे, सेंट्रल एंगल इक्वल टू थीटा इक्वल टू एल बाय आर रेडियन, थीटा इक्वल टू एल बाय आर रेडियन, सेंट्रल एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है फॉर्मूला, इसी से प्रूफ हो जाएगा। जरा सा ध्यान दीजिए, ये अभी कहाँ है, ए से बी तक ना, थोड़ा सा एल का लेंथ बढ़ाते हैं, ले जाते हैं सी पे, एल का लेंथ बढ़ेगा कहाँ जाएगा सी पे, थीटा भी बढ़ जाएगा। नहीं पढ़े थे जैसे जैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ेगा थीटा भी बढ़ता चला जाएगा, अभी ये अगर हट जाए तो थीटा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और लेंथ ऑफ आर्क कहाँ से ए से सी तक, सी से भी फिर थोड़ा सा हम आर्क को बढ़ाते हैं, आर्क का लेंथ को बढ़ाते हैं, ले आते हैं ये पॉइंट डी पे, अभी फिर थीटा बढ़ जाएगा, अभी थीटा का वैल्यू यहां से यहां तक आ गया, फिर थोड़ा सा और लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाते हैं, ले जाते हैं कहां ई पर, ले गए ई पर, फिर थीटा का लेंथ बढ़ जाएगा, और एल का तो लेंथ बढ़ता ही जा रहा है, एल यहां से उठ के यहां तक आ गया, यानी इतना लेंथ एल में इतना ग्रोथ हुआ, फिर यहां से यहां आया, फिर लेंथ इतना बढ़ा, फिर आर्क ऑफ लेंथ इतना बढ़ा, इस बार ई से फिर वो ले जाते हैं एफ पे, फिर थीटा बढ़ जाएगा, और फिर एफ से ले गए ए पे, फिर थीटा बढ़ जाएगा, यानी थीटा का यहां था लेंथ ऑफ आर्क, जैसे जैसे बढ़ाए थीटा बढ़ता गया। नहीं समझे, अभी ए ओ ए की ओ ए रेडियस आर है ना, और लेंथ ऑफ आर्क कितना है एल, यानी ए बी का लेंथ है एल, अगर लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा के बी से हटा के सी तक ले आए, बी से दौड़ के कहाँ तक ले आए सी तक, तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ जाएगा, अभी एल इतना है, जब सी तक लाए तो एल का वैल्यू बढ़ जाएगा, एल का वैल्यू बढ़ेगा तो थीटा का भी वैल्यू बढ़ेगा, सी से लाए डी पे फिर एल का वैल्यू बढ़ गया तो थीटा भी बढ़ जाएगा, डी से लाए ई पे एल का वैल्यू बढ़ा थीटा भी बढ़ेगा। अब आप देख सकते हैं एल इक्वल टू कितना हो गया, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, बढ़िया बताएं, एल इक्वल टू यहां से चल के आएगा और एक कंप्लीट राउंड ले लिया ना, एल यहां से चलना शुरू किया और फिर घूर के यहां आ गया, जब एक सर्कल में कोई यहां से कोई मान लेते हैं राम यहां से चलना शुरू किया और फिर राम यही पॉइंट ए पे ही आ गया, ए से चलना शुरू किया और फिर ए पर आ गया, कह सकते हैं वो एक सर्कमफेरेंस कवर कर लिया, वो जो डिस्टेंस कवर किया वो सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, हम कह सकते हैं एल इक्वल टू एक सर्कमफेरेंस पूरा वो चक्कर घूम लिया ना, तो एक सर्कमफेरेंस यानी टू पाई आर डिस्टेंस कवर किया। नहीं ध्यान देना, एल यहां से चला एक कंप्लीट राउंड ले लिया, यानी एल इक्वल टू टू पाई आर डिस्टेंस कवर किया, अब चलिए थीटा कितना कवर किया होगा बताइए, थीटा भी यहां से चला और फिर कंप्लीट राउंड लेके यहां तक आ गया ना, यहां से यहां थीटा बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ते बढ़ते एक कंप्लीट राउंड ले लिया, और जब एक कंप्लीट राउंड ले लेता है तो वो 360 का एंगल बनता है, ये पता है, तो थीटा इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत हो रहा है, इधर तो पता है ना पाई रेडियन 180 डिग्री, रेडियन से डिग्री में जाना, डिग्री से रेडियन में आना, ये था प्रूफ डेट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख देते हैं, कैसे होता है वही प्रूफ कर रहे थे। यहां पर देखिए हम लोग जानते हैं नाइन में थ्योरम था सेंट्रल एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, हाँ ये क्या होता है रेडियन होता है, एल बाय आर रेडियन, एल इक्वल टू क्या होगा यहां से एल बढ़ा, बढ़ते बढ़ते एक कंप्लीट राउंड लिया ना एल, तो एल का वैल्यू हो गया टू पाई आर, थीटा भी घूरा एल का वैल्यू बढ़ा तो थीटा भी बढ़ेगा, थीटा कितना बढ़ते गया यहां से हाँ यहां से हाँ यहां से हाँ आया और एक कंप्लीट राउंड थीटा भी लगाया तो थीटा का वैल्यू हो गया 360 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसको अगर इक्वेशन नंबर वन मान ले तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट
थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 360 डिग्री इक्वल टू एल, एल का वैल्यू क्या लाए हम लोग 2 पाई आर अपॉन आर, एल बाय आर क्या रेडियन, ये रेडियन है। अब देखिए 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं, ये आर आर कैंसिल हो गया 2 पाई रेडियन, डिवाइड बोथ साइड बाय 2, हम क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, यही तो प्रूव करना था ना, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, यही था। क्लियर, एक बार देख लें आप लोग, क्योंकि थोड़ा इधर जगह चाहिए। चलिए अब अगला बात होता है इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में, यानी जो पहला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एंगल, इसमें कोई भी थ्योरी नहीं छूट रहा है, बस अब एक और बचा है क्लॉक पढ़ाना। यहाँ पर ध्यान दें, ये क्लॉक हो गया, थोड़ा मेरा सर्कल इसी तरह बन जाता है, हम कोशिश करते हैं फिर से बनाने का। चलिए ये हो गया 12, 6, 3 और 9, ठीक है। जो स्मॉल हैंड होता है ना, जो छोटी वाली सुई होती है, और घड़ी में किसका, क्लॉक में किसका बात होगा, ये सुई वाली घड़ी का, वो डिजिटल वॉच नहीं, हाँ वो वॉच नहीं, ये सुई वाली घड़ी में सेकंड का भी बात नहीं होता है। मिनट हैंड और आवर हैंड क्या होता है, मिनट हैंड, मिनट हैंड, हैंड मतलब सुई होता है हाथ, यहाँ पे किस किस चीज के लिए यूज करते हैं, वो घड़ी की जो सुई होती है ना उसके लिए, इसी को हम लोग कहते हैं स्मॉल हैंड, स्मॉल हैंड छोटी वाली, और सॉरी मिनट हैंड लार्ज हैंड कहते हैं, लार्ज हैंड भी कहते हैं, और फिर आवर हैंड स्मॉल हैंड भी कहते हैं। देखिएगा ना बुक में कहीं कहीं लिखा रहता है स्मॉल हैंड, तो समझ जाना है वो आवर वाली सुई की बात कर रहा है, और कहेगा लार्ज हैंड तो समझ जाएंगे मिनट वाला सुई की बात कर रहा है। अब कहता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है एक चीज, ये जो पढ़ा रहे हैं ना डिग्री से रेडियन में जाना, रेडियन से डिग्री में आना, 11th वाले बुक में मेजरमेंट ऑफ एंगल में इसका तो यूज भी नहीं है, बस वही दो चार 10 क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन यही है डिग्री से रेडियन में जाना, रेडियन से डिग्री में आना, बस हो गया खत्म, इतना ही था। लेकिन जब आप आगे तैयारी करेंगे ना कॉम्पिटिटिव का, तो इस तरह का क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड, डिग्री से रेडियन जाना, रेडियन से डिग्री में आना, बहुत फायदा देगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मिनट का सुई, अब हम बात करें अगर आवर हैंड का, अगर हम बात करें आवर हैंड का तो क्या होता है, आवर हैंड 3 से मान लेते हैं चला, 3 से चला और फिर घूर के ये 3 तक ही आ गया, 3 से चला और घूर के ये 3 तक आ गया, यानी कितना टाइम लगा उसको, आवर हैंड को 3 से चल के और फिर 3 तक आने में कितना घंटा लगेगा, 12 घंटा ना, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 1, 2, 3, यानी 12 घंटा में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, कितना डिग्री कवर कर लेगा, जहां से चलेगा फिर वहीं आना, यानी ये कंप्लीट रोटेशन लगाएगा 360 डिग्री, ये समझते होंगे, अगर ये यहीं से चला और फिर घूर के यहीं पे आ गया, थीटा यहां से बनना शुरू होता है और घूर के यहीं आ जाता है, तो क्या होता है 360 डिग्री, एक कंप्लीट राउंड लगा लेता है। उसी तरह फॉर आवर हैंड का जब हम बात करें, ये 12 घंटा में 12 आवर में 360 डिग्री बनाता है ना, ये 12 घंटा में
360 डिग्री का कोण बनाता है तो एक घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 / 12 12 × 36 30 डिग्री का। एक घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाएगा यानी 1 आवर में कितना बनाता है? 1 आवर में 30 डिग्री। कहेगा आवर वाली सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? ये आवर वाली सुई एक मिनट में, ये 12 से 1 तक आएगा यानी 12 से घसकेगा, ये एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा वही अभी निकालेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, एक आवर में कितना डिग्री होता है? एक आवर में यानी 60 मिनट में हम लिख सकते हैं 1 आवर = 60 मिनट यानी 60 मिनट में ये 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक मिनट में कितना? तो 30 / 60, तो एक मिनट में बनाता है 1/2 डिग्री। एक मिनट में कितना डिग्री बनाएगा? हाफ डिग्री का ये कोण बनाएगा। क्लियर है? आइए आगे ध्यान दें, समझ में आ रहा है? एक बार नोट कर लीजिए। इधर से थोड़ा सा जगह चाहिए। देखिए ये आवर हैंड का बात हुआ, यहां पे हम लोग मिनट हैंड का बात करें। मिनट हैंड में क्या होता है, ये 12 वाला जो मिनट हैंड लार्ज हैंड को ये 12 से चल के फिर घूर के 12 पे आ जाए तो कितना टाइम लगाएगा? 12 से चलेगा और फिर घूर के ये 12 पर आ जाए यानी 60 मिनट में। देखिए 60 मिनट में ये कितना डिग्री बनाएगा? 360 डिग्री नहीं, 12 से चलेगा और फिर घूर के 12 पे आएगा यानी 60 मिनट इसको समय लगेगा और जहां से चला घूर के वहीं तक आने में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो एक मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा? तो 360/60 6 बार में यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ये याद रखना है, यही याद रखना। टॉपिक में इतना ही था, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, यहाँ से मिनट हैंड एक घड़ी की सुई में, ये इस तरह सुई वाली घड़ी, डिजिटल वॉच नहीं, हाँ मोबाइल, ये मिनट हैंड यहाँ से चलेगा और घूर के फिर यहीं तक आ जाए और ये आवर हैंड एक घड़ी की सुई में, हम लोग इसमें बात करेंगे मिनट हैंड और आवर हैंड का। आवर हैंड 3 से मान लेते हैं चला और फिर घूर के 3 तक आने में उसको 12 घंटा का समय लग जाएगा। 3 से चलेगा और फिर घूर के 3 तक आने में 12 घंटा का समय लग जाएगा और कितना डिग्री का कोण बना लगा? यहीं से चलेगा और फिर घूर के यहाँ तक आने में 360 डिग्री यानी ये कंप्लीट रोटेशन लगा लिया ना, यहाँ से चला और ये घूर के फिर यहीं तक आया यानी ये कंप्लीट रोटेशन लगाया तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगा। एक घंटा में कितना बनाएगा? 360/12 30 डिग्री का यानी एक घंटा में यानी 3 से लेकर ये 4 तक अगर आता है तो ये 30 डिग्री का कोण बना लेगा। कह देगा मिनट का सुई एक मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा? जब एक घंटा में ये 30 डिग्री का कोण बनाता है यानी 60 मिनट में 30 डिग्री तो एक मिनट में कितना? 60 मिनट में 30 डिग्री, एक मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाएगा। यहां से आइए मिनट हैंड का, 60 मिनट में यानी 12 से चलेगा फिर घूर के 12 तक आने में मिनट वाली सुई को 60 मिनट लग जाएगा। मिनट वाली सुई यहां से चलेगा घूर के फिर यहीं तक आने में उसको 60 मिनट का समय लग जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, तेज हैं। 60 मिनट में वो 360 डिग्री का कोण बनाएगा तो 1 मिनट में वो कितना? 360/60 यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग ना 10th में पढ़े होंगे sin 90 - θ cos 90 - θ sin θ कैसे होता है वो, अगला लेक्चर एकदम इम्पॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं कर दीजिएगा। उसमें ना आप लोग जब
टॉपिक दूसरा निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फर्स्ट में ही ना चैप्टर जैसे पलटेंगे, 60 फॉर्मूला का लिस्ट दिया हुआ है और एक मिनट लगाएंगे 60 फॉर्मूला आपको याद करवा देंगे, एकदम एक मिनट में 60 फॉर्मूला याद हो जाएगा। वो देखिएगा ना हम क्या पढ़ाते हैं, फिंगर पे तीन फिंगर का काम लेंगे और याद हो जाएगा 60 का 60 फॉर्मूला। और फिर उसी में आप साइन 50,000 डिग्री, साइन 1500 डिग्री, कॉस 2200 डिग्री सब निकालना सीख जाइएगा। अभी तो आप लोग जानते होंगे साइन में या कॉस में किसी में भी 5 डिग्री 0, 30, 45, 60 और 90 नहीं, हाँ। लेकिन जब कल का लेक्चर जब समझ लीजिएगा तो आप साइन 200 डिग्री, साइन 500 डिग्री, साइन 50,000 डिग्री जितना आपको मिल जाए आप निकाल लीजिएगा। आइए क्वेश्चन है 7 नंबर, इंपॉर्टेंट। उस दिन हम कुछ क्वेश्चन बना के दिखाए थे, डिग्री से मिनट में ले जाना, मिनट से डिग्री में ले जाना, और आज का एक दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर दिया हुआ है, फाइंड एंगल बिटवीन बिटवीन, ये वही चैप्टर मेजरमेंट ऑफ एंगल, आप लोग अपना अपना बुक में देख लीजिएगा 14 में होगा या 15 में होगा। फाइंड एंगल बिटवीन 7:30 AM, फाइंड क्या क्वेश्चन देखें जरा, इन मिनट एंड बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। कहता है 7:30 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, पहले तो घड़ी बनाना हम लोग दूसरा क्लास तीसरा क्लास में सीखे थे, नहीं 10:30 बजाओ 11:30 बजाओ घड़ी बनाना सीखते थे दूसरा तीसरा में। 7:30 बज गया ना, ये 12, ये 6 होगा, ये 3, ये 9 क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये 6 मानते, ये 7, ये 8, ये 9 ना, 7:30 बजना यानी कि स्मॉल हैंड 7 और 8 के बीच में आएगा, जबकि मिनट हैंड जो होगा पक्का 6 पे रहेगा ना, थोड़ा सा चलिए तिरछा बन गया, ये मिनट हैंड ऐसे रहेगा और ये आवर हैंड इस तरह रहेगा ना, 7 और 8 के बीच में रहेगा, जबकि मिनट वाली सुई 6 पे रहेगा। बज गया 7:30 बजा दिए। कहता है ये एंगल निकालना है, ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा। कितना इजी है वो निकालते हैं, इस मिनट हैंड को यहां से एंगल बनाना, उस दिन हम समझाए थे, फिर से ध्यान दीजिए। एंगल कब बनता है, जब ये दो लाइन एक दूसरे पे होगा और एक लाइन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रोटेट कर जाए तो एंगल बन जाएगा। अभी ये एक लाइन है, जब वही लाइन ऊपर की तरफ रोटेट कर जाए तो ये एंगल बन गया। यहां पर से ये जो छोटा वाला सुई है यानी आवर हैंड का जो सुई है यहां पे होगा 6 पे और यहां से यहां तक ये रोटेट किया, पहले ये यहां पर होगा और यहां से यहां तक ये रोटेट किया तब ना ये एंगल बन गया। कितना डिग्री यानी यहां से इस स्मॉल सुई को, छोटा वाला सुई को यानी कि मिनट आवर हैंड को 6 से लेके 7:30 तक आने में कितना टाइम लगा होगा, 1 घंटा 30 मिनट। एक घंटा तो डिस्टेंस कवर बाय आवर हैंड कितना टाइम लगा होगा, 1 घंटा 1 आवर और 30 मिनट। 1 घंटा और 30 मिनट लग गया होगा इसको आने में ना। अब देखिए 1 घंटा 30 मिनट लगता है ये छोटे वाला सुई को आने में, आप देख सकते हैं 1 घंटा में वो कितना डिग्री का कोण बनाएगा,
आवर एंड एक घंटा में 30 डिग्री और फिर 30 मिनट में, एक मिनट में बनाता है हाफ डिग्री का, 30 मिनट में 1/2 डिग्री। समझिए फिर से, ठीक है, 1 आवर में कितना, ये यहां से चला और यहां तक आएगा, 7 पर आया, 6 से चला 7 पर आया, तो 1 आवर ले लिया, तो एक घंटा में कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बना दिए प्लस। फिर ना चला है ये, फिर ना थोड़ा दूर चला, आधा तो और चला, 7 और 8 के बीच में आया, यानी 30 मिनट और चला। तो हम जानते हैं एक मिनट में आवर हैंड कितना डिग्री का कोण बनाता है, आवर हैंड का बात कर रहे हैं, देखिए एक मिनट में बनाता है आधा डिग्री का कोण, यानी 1/2, कितना मिनट तक चला, 30 मिनट तक, तो गुना 30, 15 बार में, तो 30 डिग्री और प्लस कितना, 15 डिग्री, 30 15 45 डिग्री का कोण बनाएगा, यही आंसर हो गया। आप दोनों से बना सकते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए कितना टाइम लगा होगा, पहले वो 7 पे मान लेते ये आवर हैंड और मिनट हैंड एक पे था, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये बीच से 7 तक जाने में, तो 2 पूर्णांक 1/2 2.5 मिनट, और 7 से फिर 6 तक जाने में 5 मिनट ना, टोटल उसको 7.5 मिनट लगा होगा समय, 7.5 मिनट। अब देखिए हम इसको कर सकते हैं, 17/14 यानी 15/2 मिनट, एक मिनट में बनाता है 6 डिग्री, तो 15/2 गुना 6 6 दुना 12, 2 3 6 15 3 45 डिग्री। आपको जिससे ईजी लगे मिनट हैंड से बनाइए या फिर आवर हैंड से बनाइए, दोनों से आंसर सेम आएगा। अगला लेक्चर कोई मिस नहीं कीजिएगा, और पूरा चैप्टर खत्म हो गया, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल हम फुल पढ़ा दिए, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। इसके बाद भी अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर तो दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप से या फिर वीडियो के लास्ट में जो कमेंट बॉक्स है, हमसे बेहतर जानते होंगे, हाँ हमसे बेहतर जानते होंगे, बजाने दीजिए, मोबाइल बजने दीजिए, हम अपना वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं ना, फिर हम देख के बताएंगे आपको। चलिए, थैंक यू वेरी मच।